हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की 10th नंबर की वीडियो है और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज हम मल्टीपल स्प्रिंग और मल्टीपल पुलिस के यानी कंस्ट्रेंड SHM के केसेस देखने वाले हैं, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज रहते हैं और इसका जो सॉल्यूशन भी आप देखते होंगे वो आई होप आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगता होगा कि यार कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज इसको सॉल्व करने के लिए एक ऐसा सुपर मेथड देखेंगे जिसमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा वो यूं सॉल्व होगा। तो पिछली वीडियो में स्प्रिंग मास सिस्टम बहुत ही डिटेल्ड तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था और हमने सीखा था, समझा था कि अगर कोई स्प्रिंग हो और सिंपलेस्ट स्प्रिंग मास सिस्टम लिया जाए, यानी एक स्प्रिंग हो और उसके एक एंड से एम मास का ब्लॉक कनेक्टेड हो, तो चाहे स्प्रिंग इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो, चाहे स्प्रिंग ऐसे वर्टिकल हो, चाहे फिर स्प्रिंग ऐसे इंक्लाइंड ही क्यों ना हो, इसके अगर एक एंड से एम मास का ब्लॉक कनेक्ट करके उसका हम SHM करवाएं तो उसका जो हमें टाइम पीरियड मिलता है वो आता है 2π√m/k। इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझने वाला पॉइंट ये है कि इसका टाइम पीरियड जी डिपेंडिंग नहीं है। तो आगे कॉम्प्लेक्स केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि हम इस एमजी फोर्स को इग्नोर कर दें और रेस्टोरिंग फोर्स के लिए बाकी के फोर्सेस देखें, एमजी फोर्स को हम छोड़ दें। ऐसा भी हम करेंगे आगे के केसेस में। तो ये इतना हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब आज की इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में दो कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? दो कैटेगरी है। ये पहली कैटेगरी का क्वेश्चन है और एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तो ये कैटेगरी क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझो और नोट्स जरूर बनाना, ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये तो होता ही है, T=2π√m/k। इस तरह के कॉम्प्लेक्स केसेस में हम टाइम पीरियड का आज के बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे, m/k इफेक्टिव। सेम फॉर्मूला है, आसानी से याद किया जा सकता है, T=2π√m/k की जगह k इफेक्टिव, यानी सभी स्प्रिंग का मिला जुला के k। अब ये k इफेक्टिव कैसे निकालेंगे उसको समझो। इसको ऐसा लिखें, m 1/k इफेक्टिव, एक ही चीज है। ये जो 1/k इफेक्टिव है ये क्या है? ये है 1/k1′ + 1/k2′ + 1/k3′ + so on, जितनी भी स्प्रिंग लगी होगी सबके लिए हमें यही कैलकुलेशन करना है। अब ये k1′ क्या है, k2′ क्या है, k3′ क्या है उसको समझो। तो सबसे पहले ये भी समझना है हमें कि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा और कब एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करने की दो कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशन है? दो। कंडीशन नंबर वन क्या है कि पुली और स्प्रिंग आइडियल होनी चाहिए। स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए? मासलेस। पुली कैसी होनी चाहिए? मासलेस। पुली कैसी होनी चाहिए? फ्रिक्शनलेस, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये सब जो सिस्टम में आपको पुलीज और स्प्रिंग्स दिख रहे हैं वो आइडियल है। तो कंडीशन नंबर वन फुलफिल हो गई। कंडीशन नंबर टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन नंबर टू ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनना, कंडीशन नंबर टू क्या है? एम मास के ब्लॉक को देखो, एम मास का ब्लॉक दिख गया। एम मास के ब्लॉक से जो भी स्ट्रिंग, वैसे तो ये स्ट्रिंग नहीं है, ये वायर है, आप स्ट्रिंग का ऐसे स्प्रिंग नहीं बना सकते, धागे से स्प्रिंग थोड़ी बनेगी, वायर होगा, बट वायर स्ट्रिंग ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, बट आप समझते रहना कि वो वायर है। तो एम मास के ब्लॉक से जो भी वायर कनेक्टेड है वो सभी पुली को टच करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी पुलीज को टच करना चाहिए। अब चाहे पुली के ऊपर से होकर जाए, पुली के नीचे से होकर जाए, या पुली के बीच में कनेक्टेड हो, इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसके वायर का इंटरेक्शन सभी पुली के साथ होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन।
तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इस तरह के क्वेश्चन की ये कैटेगरी वन बनती है, और उसमें जो अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, लगेगा। अब लगाएंगे कैसे, तो उसको आप ध्यान से देखो। इस तरह के क्वेश्चन में जो भी स्प्रिंग आपको दिखेगी वो स्प्रिंग तीन तरीके से कनेक्टेड दिखेगी। इसको मान लेते हैं कैटेगरी नंबर वन, कैटेगरी नंबर टू और कैटेगरी नंबर थ्री। कैटेगरी नंबर वन क्या है, ऐसी स्प्रिंग जो इस एम मास के ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी या उसके वायर में ही कहीं ना कहीं होगी। देखो एम मास से कनेक्टेड वायर कौन सा है, ये है, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया। तो चाहे अगर स्प्रिंग यहां कनेक्टेड हो, चाहे यहां कनेक्टेड हो, चाहे यहां कनेक्टेड हो, उसको हम बोलेंगे कि वो कैटेगरी नंबर वन का स्प्रिंग है। और कैटेगरी नंबर वन के स्प्रिंग के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को एज इट इज के ही लिखेंगे। क्या करेंगे, ऐसे स्प्रिंग जो कि एम मास के ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो कैटेगरी वन का स्प्रिंग होगा, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसको हम एज इट इज के ही लिखेंगे। फिर कैटेगरी नंबर टू का जो स्प्रिंग है वो दिखेगा आपको इस पुली से ऐसे टेंजेंशियल कंडीशन में। देखो ये जो स्प्रिंग है वो पुली से ऐसे टेंजेंशियली कनेक्टेड है ना, तो ऐसा अगर स्प्रिंग कहीं दिखे तो हम बोलेंगे कि वो कैटेगरी टू का स्प्रिंग है। इसको नोट कर लेना। इसमें क्या होगा, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको हम चार गुना बढ़ा के लिखेंगे, यानी कितना लिखेंगे, 4k। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे लॉजिक है, फिजिक्स है, वो बाद में कभी किसी और वीडियो में देखेंगे, अभी तुम क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करो। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हुआ, चार गुना बढ़ाकर 4k। फिर आपको एक और स्प्रिंग दिखेगी, यहां भी आपको दिख रही होगी, जो कि ना ही एम मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है और ना ही इस पुली से टेंजेंशियली कनेक्टेड है, वो पुली के ठीक बीचों बीच ऐसे कनेक्टेड होगी। जैसे ये वाली स्प्रिंग को देखो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, या इस वाली स्प्रिंग को देखो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है, इसको बोलेंगे कि ये कैटेगरी 3 का स्प्रिंग है, और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लिखेंगे K/4। बीच में ऐसे गड्ढा बना दो, और ऐसे याद रखना गड्ढे से जो चीज जुड़ी होगी उसकी पावर 1/4 हो जाएगी, तो कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें और इसमें, किसका चार गुना करते थे किसका बाई फोर करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो अब लगाएंगे सिस्टम के लिए 1/k इफेक्टिव वाला फॉर्मूला। क्या था, 1/k1 k1 में कोई भी स्प्रिंग पकड़ लो, इसी स्प्रिंग को ले लेते हैं। इस स्प्रिंग की कैटेगरी देखो, कैटेगरी नंबर वन है, तो इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एज इट इज लिखेंगे, दैट इज K4, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस क्या होता था, 1/k2, कोई भी दूसरी स्प्रिंग पकड़ लो, ये वाले स्प्रिंग ले लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना लिखेंगे, K1 नहीं लिखेंगे, ये कौन सी कैटेगरी का स्प्रिंग है, कैटेगरी नंबर 2 का, टेंजेंशियली कनेक्टेड है, तो ये होगा चार गुना बढ़ा के यानी 4K1 प्लस 1/k3। कोई भी स्प्रिंग पकड़ लो, ये वाली चाहे वो वाली, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लिखेंगे, K2/4, 4 चला जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा 4/k2, और प्लस वैसे ही 1/k4, K4 के लिए इस वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे, ये बीच से कनेक्टेड है, कैटेगरी नंबर 3 का स्प्रिंग है, तो इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K3/4, 4 चला जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा 4/k3। ये मिल गया हमें 1/k इफेक्टिव। इसलिए इस पूरे सिस्टम का जो टाइम पीरियड होगा वो आएगा 2π√m इंटू 1/k इफेक्टिव, और 1/k इफेक्टिव की वैल्यू आपके पास में है 1/, इस वाले पोर्शन को पहले लिखें, 4k1 प्लस 4/k2 प्लस 4/k3 प्लस 1/k4। हो सकता है एग्जाम में इसकी जगह k, इसकी जगह भी k, इसकी जगह भी k और यहां भी k दे दिया जाए, तो उतने होशियार तो आप हो ही कि सॉल्व कर लोगे। हो सकता है यहाँ k दिया जाए, यहाँ 2k दिया जाए, यहाँ k/2 दिया जाए, यहाँ 4k दे दिया जाए, तो ये सब तो आप सॉल्व कर लोगे। मेन कॉन्सेप्ट समझो कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, और उसमें जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको कैसे लिखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम थी, डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम थी, इसमें तीनों कैटेगरी के स्प्रिंग आपको दिख रहे थे, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी और एग्जाम्पल करेंगे तो और समझ में आएगा, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं।
तीन और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखो तीनों फिगर को, तीनों सेम है या डिफरेंट है? स्प्रिंग की पोजीशंस को ध्यान से देखो, तीनों अलग अलग केस है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि स्प्रिंग और पुलीज आइडियल हैं, फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, एम मास के ब्लॉक के ऑस्किलेशन का आप टाइम पीरियड बताओ या फ्रिक्वेंसी बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखते हैं इसमें हमारा जो मेन कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। एम मास के ब्लॉक से जो भी कनेक्टेड वायर है वो पहले पुली से होकर जा रहा है, दूसरे पुली से भी होकर जा रहा है, तो यानी ये पहला कंडीशन, मतलब जो कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट वो फुलफिल हो रही है। इसको देखते हैं, इसमें भी एम मास के ब्लॉक से कनेक्टेड जो वायर है वो इस पुली से और इस पुली से होकर जा रही है, उसको टच कर रही है, यहां भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और इसमें भी फुलफिल हो रही है। तो फॉर्मूला सेम है, सबसे पहले 1/k इफेक्टिव निकालेंगे, 1/ इसमें कितनी स्प्रिंग है, दो, तो k1 प्लस 1/k2 यही करेंगे। 1/k1 में क्या इस m मास के ब्लॉक से कनेक्टेड जो वायर है क्या इसमें कोई कहीं स्प्रिंग है? नहीं है, तो उसको छोड़ते हैं। ये वाली स्प्रिंग देखो, ये कैटेगरी नंबर 3 की स्प्रिंग है और कैटेगरी नंबर 3 की स्प्रिंग में क्या करते हैं हम, स्प्रिंग कांस्टेंट ^4 करके लिखते हैं, तो k/4 लिखेंगे, 4 चला जाएगा ऊपर, कोई डाउट नहीं है इसमें, प्लस 1/k2 यानी इस वाले स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट लिखना है, ये भी कैटेगरी नंबर 3 का स्प्रिंग है, ये भी बीच से कनेक्टेड है, टेंजेंशियली नहीं है। कैटेगरी नंबर 3 का स्प्रिंग है, बीच से कनेक्टेड है, तो इसको भी लिखेंगे k/4, तो / 4 में 4 ऊपर चला जाएगा, 4/k प्लस 4/k कितना होगा, 8/k, तो यहां से टाइम पीरियड आएगा t = 2πm into 1/k इफेक्टिव, और 1/k इफेक्टिव की वैल्यू है 8/k, दैट इज ये 8m/k हो गया। ये हुआ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, कितना सिंपल है, कितना इजी है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी आप निकालो 1/k इफेक्टिव, 1/ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो स्टेप्स में टाइम लग रहा है वो टाइम आपका और शॉर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले में एम मास के ब्लॉक से कनेक्टेड जो वायर या जो स्ट्रिंग है इससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये रही, तो ये वाली कैटेगरी नंबर 1 की स्प्रिंग है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी के, या k1 k2 ले लेते हैं, चलो k1 k2, इसमें एक ही स्प्रिंग है, के ले लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कैसे सॉल्व करेंगे, 1/k इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/k1 k1 में पहली वाली स्प्रिंग इसको पकड़ते हैं और देखते हैं ये किस कैटेगरी का स्प्रिंग है, तो ये कैटेगरी नंबर 1 का स्प्रिंग है, इस एम मास के ब्लॉक से सीधे सीधे कनेक्टेड है, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, उसको एज इट इज k1 लिखेंगे, प्लस 1/k2 k2 में ये वाला देखो कैटेगरी नंबर 3 का स्प्रिंग है, बीच से कनेक्टेड है, तो ये लिखेंगे k2/4, 4 गया ऊपर, अब बस यहां से फॉर्मूला लगा देंगे t = 2π √m इंटू 1/k इफेक्टिव, और 1/k इफेक्टिव की वैल्यू ये रही 1/k1 प्लस 4/k2, चाहे तो उसको सॉल्व भी कर सकते हो, t = 2π √ इतना होगा m 4k1 प्लस k2 / k1 k2, तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिख जाएगा ऐसा क्वेश्चन अगर बनाया जाएगा तो। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कैसे सॉल्व हो रहा है। अब इसको देखते हैं तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, 1/k इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/ सीधे सीधे इसमें एक ही स्प्रिंग ही है, और वो स्प्रिंग कैसी है, कैटेगरी नंबर 3 की स्प्रिंग है, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k नहीं, k/4 लिखेंगे, 4 जाएगा ऊपर, फाइनली टाइम पीरियड आएगा 2πm इंटू 1/k इफेक्टिव, दैट इज 4/k यानी 4m/k। तो इस तरह के क्वेश्चन से अब धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है। देखो क्वेश्चन या मेथड ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन में कोई बदलाव कर दिया जाए, क्वेश्चन में कोई वेरिएशन कर दिया जाए तो भी हम उसको आराम से समझ सकें और उसका सोल्यूशन निकाल सकें। इसमें अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्ट कर दें, यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्ट कर दें, यहाँ पे भी एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दें तो सॉल्व कर लोगे। अगर यहाँ एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी जाए तो एक नया क्वेश्चन बन गया। इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 1/k1 में
के वन डैश में इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सीधे सीधे के लिखेंगे, प्लस वन बाई के टू डैश में ये वाली कैटेगरी नंबर थ्री की स्प्रिंग होगी, इसके लिए लिखेंगे के बाई फोर, फोर जाएगा ऊपर, सॉल्व कर लेंगे और ये फॉर्मूला लगा लेंगे। समझ गए? तो इस तरह का कोई भी केस आएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें मल्टीपल स्प्रिंग होगी, मल्टीपल पुली होगी, तो आप सॉल्व कर लोगे। दो तीन और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन क्वेश्चंस को देखो, रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन है। तो कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर टू में, कंडीशन नंबर वन पहले से ही फुलफिल्ड है क्योंकि ये जो स्प्रिंग है और जो पुलीज है वो आइडियल दे रखी है। एम मास के ब्लॉक के एसएचएम का हमें टाइम पीरियड बताना है। कंडीशन नंबर टू चेक कर लेते हैं कि फुलफिल हो रहा है कि नहीं। एम मास के ब्लॉक से कनेक्टेड जो भी वायर है वो इस पुली को टच कर रहा है, एक ही पुली है, इसमें भी पुली को टच कर रहा है, इसमें भी पुली को टच कर रहा है और इसमें भी पुली को टच कर रहा है, ऊपर से होकर नहीं जा रहा है बट बीच में तो कनेक्टेड है ना, तो टच होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे बीच में कनेक्टेड हो, चाहे ऊपर से होकर जाए, चाहे नीचे से होकर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंडीशन नंबर टू भी फुलफिल हो रहा है, यानी हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है के इफेक्टिव वाला वो एप्लीकेबल है, लगा सकते हैं। तो यहाँ लगाते हैं, वन बाई के इफेक्टिव इज इक्वल्स टू वन बाई के वन डैश। देखो ये वाले स्प्रिंग पहले अगर ली जाए तो ये एम मास से जो वायर है उसी में बनी हुई ये स्प्रिंग है, इससे सीधे सीधे कनेक्टेड है, तो ये कैटेगरी नंबर वन की स्प्रिंग है, तो इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को सीधे सीधे के ही लिखते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं होती। प्लस वन बाई के टू डैश, दूसरे वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लिखना है। दूसरा वाला स्प्रिंग देखो बीच से कनेक्टेड है, कैटेगरी नंबर थ्री का स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे के बाई फोर, फोर जाएगा ऊपर, ये कितना आएगा के एलसीएम, ऊपर वन प्लस फोर यानी फाइव, फाइव बाई के, और टाइम पीरियड आया टू पाई रूट ओवर एम इंटू वन बाई के इफेक्टिव, दैट इज फाइव बाई के। तो इसको ऐसे करते हैं फाइव एम बाई के, ये होगा हमारा टाइम पीरियड। इसको देखते हैं, इसमें एक ही स्प्रिंग है, वन बाई के इफेक्टिव इज इक्वल्स टू वन बाई के डैश। कौन सी स्प्रिंग है ये? कैटेगरी नंबर थ्री की, क्या लिखेंगे के बाई फोर, फोर गया ऊपर, मिल गया हमें के इफेक्टिव। टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू टू पाई रूट ओवर एम इंटू वन बाई के इफेक्टिव, दैट इज फोर बाई के, यानी टी इज इक्वल्स टू हमें मिला टू पाई अंडर रूट फोर एम बाई के, ये हो गया आंसर। इसको देखते हैं, इसमें भी एक ही स्प्रिंग है, वन बाई के इफेक्टिव इज इक्वल्स टू वन बाई के डैश। ये एम मास के ब्लॉक से सीधे सीधे कनेक्टेड है, कैटेगरी नंबर वन की स्प्रिंग है, तो इसके स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वन बाई के इफेक्टिव की वैल्यू वन बाई के होगी। तो इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही मिलेगा, टू पाई अंडर रूट एम इंटू वन बाई के इफेक्टिव, दैट इज वन बाई के, दैट इज एम बाई के। तो जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सिंपल केसेस देखे थे उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता था वही फॉर्मूला यहां भी आ रहा है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप यहां कंफ्यूज हो जाओगे या इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें, इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब इजी हो गया होगा आई थिंक, इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और देखो इसका कितना आंसर आ रहा है। पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो, पेन कॉपी निकालो। एक ही स्प्रिंग है, कई स्प्रिंग है, एक ही स्प्रिंग है, क्या होगा वन बाई के इफेक्टिव, वन बाई के इफेक्टिव इज इक्वल्स टू वन बाई के डैश, स्प्रिंग कांस्टेंट के ले लो। कौन सी कैटेगरी का स्प्रिंग है? कैटेगरी नंबर टू का, पुली के साथ टेंजेंशियली कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फोर टाइम्स बढ़ा के लिखते हैं फोर के। टाइम पीरियड क्या आएगा, टू पाई एम इंटू वन बाई के इफेक्टिव, दैट इज वन बाई फोर के। थोड़ा सा और अच्छे से सजा के लिख लो, टू पाई एम बाई फोर के, ये हो गया आंसर। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी दिखेंगे तो उड़ा देना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो मैंने बताई थी कि शुरू में इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी दो कैटेगरी होती है, तो अब दूसरी वाली कैटेगरी को देखते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। अब कैटेगरी टू की प्रॉब्लम देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये एक स्प्रिंग है और ये एक पुली है,
यहां पे एक और पुली है और इससे एम मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। हमसे पूछा जा रहा है इसके एसएचएम का आप टाइम पीरियड बताओ या फिर फ्रीक्वेंसी बताओ। ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन अभी जितने भी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे किस तरह से अलग है। क्यों उसको मैं कह रहा हूं कि ये कैटेगरी टू का क्वेश्चन है? क्योंकि इससे देखो एम मास के ब्लॉक से जो भी वायर कनेक्टेड है वो सारी पुलिस को टच नहीं करता। ये वायर यहां गया, इस पुली को तो टच कर रहा है बीच में, बट इसका किसी दूसरे पुली से और कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए इसमें पिछला जो फॉर्मूला हम लोगों ने 1/K इफेक्टिव वाला पढ़ा था वो हम यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को देखोगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि किस केस में वो कैटेगरी वन का प्रॉब्लम है और किस केस में कैटेगरी टू का प्रॉब्लम है। और कैटेगरी वन के प्रॉब्लम में फिर स्प्रिंग की तीन कैटेगरी आपको मिलेगी, फिर उसके बाद क्या करना है वो तो पता ही है आपको। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे तो कई सारे मेथड हैं, एनर्जी मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, कई सारे मेथड हैं, बट जो सबसे सही मेथड है वो ही समझेंगे, बाकी मेथड्स को छोड़ेंगे। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, इग्नोर Mg, यानी जो G का इफेक्ट है उसे हमें छोड़ देना है। यहाँ पे हमें Mg वगैरह नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि ये जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ में होगी या स्ट्रेच्ड स्टेट में होगी, अगर कोई इस तरीके का फिगर बना के दे दे, सिंपल केस लेते हैं जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझा था, इस तरह का अगर फिगर है और आपसे कहा जा रहा है कि ये एम मास का ब्लॉक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, चुपचाप रुका हुआ है, यहीं पड़ा हुआ है, तो क्या स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी या स्ट्रेच्ड स्टेट में होगी, खींची हुई अवस्था में होगी? तो स्प्रिंग कभी भी नेचुरल स्टेट में नहीं हो सकती क्योंकि यहां Mg का फोर्स लग रहा है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जो इस Mg को बैलेंस कर रहा होगा। वो ऊपर वाला फोर्स कौन सा फोर्स होगा? Mg की वजह से ये M मास का ब्लॉक नीचे जाएगा तो स्प्रिंग खींचेगी, और यहां पे ऐसे स्प्रिंग का फोर्स Kx0 या Kx है, जो भी फोर्स आप लगाओ वो इस Mg को बैलेंस करेगा। तो स्प्रिंग ऑलरेडी स्ट्रेच स्टेट में है। फिर हम लोगों ने समझा था कि इसको फिर इससे फर्दर अगर एक्स डिस्टेंस और खींचा जाए फिर छोड़ा जाए तब ये SHM परफॉर्म करता है, और बीच में जो स्टेप्स हमने सॉल्व किए थे उसमें Kx0 Mg कैंसिल हो गया था, इसलिए जी हमें फाइनल फॉर्मूले में नहीं दिखाई देता। वैसे यहां भी अगर कोई पूछे कि ये स्प्रिंग नेचुरल स्टेट में है, नहीं, ये खींची हुई स्टेट में है और अभी ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब इसको अगर हम फर्दर और खींचें तो स्प्रिंग में जो कि पहले से ही खिंची हुई है इसमें अभी और खिंचाव आएगा और फिर ये SHM परफॉर्म करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें Mg को इग्नोर करना है, Mg से कोई मतलब नहीं है, और स्प्रिंग पहले कितनी खिंची हुई थी वो भी हमें नहीं देखना है। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको एक्स डिस्टेंस नीचे खींचेंगे और देखेंगे एम मास के ब्लॉक से जाएंगे स्प्रिंग तक। स्टेप नंबर टू, एम मास के ब्लॉक से कहां जाएंगे, स्प्रिंग तक, और इसमें अगर आप एक्स इसको इलॉन्गेट करते हो तो इसका इलॉन्गेशन कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। समझ गए? फिर स्टेप थ्री में क्या करेंगे, स्टेप थ्री में जब आपको स्प्रिंग में इलॉन्गेशन मालूम चल जाएगा कि ये स्प्रिंग कितनी खिंची है तो स्प्रिंग फोर्स मालूम चल जाएगा, तो जब स्प्रिंग फोर्स मालूम चल जाएगा तो हर एक वायर में टेंशन मिल जाएगा और फाइनली यहां टेंशन मिलेगा। तो ये जो टेंशन यहां हमें फाइनली मिलेगा, एक तरह से जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो यही एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा टेंशन जो फाइनली हमें मिलेगा। वैसे तो रेस्टोरिंग फोर्स के लिए ये टेंशन -Mg करते थे हम, क्योंकि ऊपर की ओर जो नेट फोर्स होगा वो ये ऊपर का टेंशन -Mg होगा, लेकिन स्टेप वन में मैंने क्या बताया आपको कि Mg को हमें इग्नोर करना है। तो ये जो टेंशन हमें मिलेगा फाइनली ऊपर से नीचे जब आप कैलकुलेट करते हुए आओगे पहुंचोगे तो वो एक्स्ट्रा फोर्स ही रेस्टोरिंग फोर्स होगा। इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर टी इज इक्वल्स टू 2π√ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला निकालते हैं।
देखने में ये थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जब आप सॉल्व कर लोगे एक दो क्वेश्चन तो आपको ये इजी हो जाएगा। जैसे चलो इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एम जी को इग्नोर कर दिया। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में या फोर्स एनालिसिस में एम जी का कोई रोल हम नहीं लेंगे। अब हमने क्या किया, इसको एक्स डिस्टेंस नीचे खींचा। देखो एम मास का ब्लॉक इस वायर से या स्ट्रिंग से, इस पुली से कनेक्टेड है। तो ये पुली, ये वायर, ये एम मास एक सिस्टम है। तो इसको अगर एक्स खींचोगे तो ये पूरा सिस्टम ऐसे एक्स नीचे आएगा। तो ये जो पुली है ये भी कितना नीचे आई, ये आया एक्स नीचे। इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब अगर ये वाली पुली एक्स नीचे आएगी तो ये वाली पुली कितनी नीचे आएगी वो समझना है। तो थोड़ी देर के लिए ये और ये स्प्रिंग ऐसा छोड़ देते हैं, सिर्फ इस पुली को देखो आप। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कंस्ट्रेंड मोशन में हमने समझा था। देखो इसी फिगर को हम दोबारा से बनाते हैं, खूब अच्छे से समझ लो। एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से समझ लो, उसके बाद आगे सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ है फिगर, इसको हमने नीचे खींचा, ये भी नीचे गया। नीचे की बजाय अगर इसको ऊपर ढकेले तो ये जो पुली यहां है वो पहुंचेगी यहां। तो देखो इधर से x और इधर से x, 2x की रस्सी खाली होगी। क्यों भाई, अगर इसको हम ऊपर भेज दें तो ये x और इधर x, 2x रस्सी खाली हुई। और अगर इसको हम मोशन करवाएं तो अगर इसको x ऊपर ले जाएंगे तो ये 2x की स्ट्रिंग की लेंथ मिलेगी इसको, और ये 2x भागेगा ऊपर। ये हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा तो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि इस तरह के कंस्ट्रेंट मोशन में अगर ये वाली पुली x डिस्टेंस मूव करती है तो ये वाली उसका डबल, दोगुना मूव करती है। तो वैसे ही अगर ये नीचे भी आएगा तो भी अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2x होगा, दोगुना होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, यहां आपको समझ आया होगा। अब वापस से यहां बनाते हैं जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था, यानी स्प्रिंग और ये वायर। तो अगर ये x नीचे गया तो ये कितना नीचे जाएगा, ये जाएगा 2x नीचे। अब अगर ये 2x नीचे जा रहा है तो ये तो वायर है, अगर यहां स्प्रिंग ना होके कोई वायर ही होता और वायर इन एक्सटेंसिबल होता है, यानी रबड़ की तरह नहीं होता, तो इसका नीचे जाना पॉसिबल नहीं था। बट अगर ये 2x नीचे जा रही है तो पक्का है स्प्रिंग खिंची होगी। अब अगर ये 2x नीचे जाएगी तो स्प्रिंग कितना खींचेगा वो समझना है। तो फिर से वही बात, अगर ये x डिस्टेंस ऊपर जाए तो x इधर से 2x की रस्सी खाली होती है, और इधर अगर कोई ब्लॉक कनेक्टेड होता तो वो 2x ऊपर भागता। तो अगर ऐसे ही ये 2x नीचे आ रहा है तो इस स्प्रिंग में जो भी इलोंगेशन होगा वो इसके डिस्प्लेसमेंट का जस्ट डबल होगा। यानी ये वाली पुली अगर 2x नीचे आ रही है तो स्प्रिंग इलोंगेट होगी 4x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये अगर नीचे आया, जितना भी डिस्प्लेसमेंट, इस स्प्रिंग में जो खिंचाव होगा, जो इलोंगेशन होगा, वो इसका जस्ट डबल होगा। तो अगर ये 2x है तो ये 4x। अब देखो अगर ये 4x है तो कोई भी स्प्रिंग जब खिंच जाती है तो वो अपने एंड्स पे फोर्स लगाती है, कितना, k इंटू एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई जो इसमें एक्सटेंशन है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो पहले से ही इलोंगेटेड थी, तो पहले से ही अगर इलोंगेटेड है और इसमें फर्दर 4x का इलोंगेशन आया है तो स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू होगा K, ये 4x और प्लस पहले से जो इलोंगेशन रहा होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले वाला इलोंगेशन नहीं लेना। जिस तरह से हमने mg को इग्नोर किया उसी तरह से ये स्प्रिंग पहले कितनी खींची थी उससे हमसे मतलब नहीं है। इसको x खींचने पे स्प्रिंग अब कितनी खींची है उसी एक्स्ट्रा फोर्स को हमें देखना है, और वही हमें रेस्टोरिंग फोर्स के फॉर्म में लेना है। तो ये अगर 4x खींची तो स्प्रिंग अपने एंड्स पे फोर्स लगाएगी 4kx, यहां भी फोर्स लगेगा 4kx, यहां 4kx, यहां 4kx, तो यहां 8kx, यहां 8kx, तो यहां भी 8kx,
और यहाँ 8kx, यहाँ 8kx, तो सिंस ये मासलेस है इसलिए यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा 16kx, और यही 16kx का जो फोर्स है, जो एक्स्ट्रा फोर्स है, वही इसके SHM के लिए रेस्टोरिंग फोर्स एक तरह से देगा। यानी जैसे ही आपने इसको एक्स खींच के छोड़ा, ऊपर की तरफ इस पे जो फोर्स आया हुआ है 16kx, तो अब F रेस्टोरिंग हमें मिल गया 16kx, फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन 16kx, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी 16k/m × x, यहां से चाहे तो आप डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन निकाल लो, ये आएगा m/16k, हेंस टाइम पीरियड आएगा t इज इक्वल्स टू 2π रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल ली है m/16k, ये होगा इस केस में आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, कैसे सॉल्व हुआ, इसको हमने खींचा x, इसके साथ सीधे सीधे कनेक्टेड है, ये भी आया x नीचे, ये x नीचे आएगा तो ये वाली पुली 2x नीचे आएगी, और ये 2x नीचे आएगी तो ये जो स्प्रिंग है वो 4x का इलॉन्गेशन इसमें होगा। तो ये अगर 4x का इलॉन्गेशन इस स्प्रिंग में होगा तो 4kx, 4kx का फोर्स इस वाले स्ट्रिंग में आया फोर्स 8kx, स्ट्रिंग सेम है यहां भी फोर्स 8kx, इस वाले स्ट्रिंग में फोर्स आएगा 16kx, वही एक्स्ट्रा फोर्स होगा, वही रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, और वहां से हम निकालेंगे टाइम पीरियड। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये ऐसा एम मास का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट भी के है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट भी के है, पुलीज और स्प्रिंग आइडियल है, मासलेस है, फ्रिक्शन लेस है, इसके हमें SHM का टाइम पीरियड निकालना है। तो हम इसमें सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमने जो पुरानी वाली ट्रिक वाली मेथड पढ़ी थी 1/k इक्विवेलेंट वाली, k इफेक्टिव वाली, वो इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी। इस एम मास के ब्लॉक से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो सिर्फ इस पुली और इस पुली से टच हो रही है, ये वाली पुली से टच नहीं हो रही है, इसलिए कैटेगरी 2 का प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही काम करेंगे, इसको भेजते हैं एक्स नीचे, ये एक्स खींचेगी तो ये वाली और ये वाली पुली भी एक्स नीचे आएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ये एक्स नीचे आएगी तो जो स्प्रिंग है ये खींचेगी 2x, और ये स्प्रिंग भी खींचेगी 2x, तो स्प्रिंग के खिंचाव की वजह से इसमें जो फोर्स आएगा वो होगा 2kx, वैसे ही यहां भी फोर्स आएगा 2kx, फिर वैसे ही ये स्प्रिंग भी 2x खिंची है, यहां भी स्प्रिंग का फोर्स 2kx, और यहां भी स्प्रिंग का फोर्स 2kx। अगर इस पुली में ऊपर की साइड 2kx, 2kx, 4kx का फोर्स लग रहा है तो यहां भी 4kx का फोर्स लगेगा, और यहां भी अगर इस पुली पे ऊपर की तरफ 2kx, 2kx का फोर्स लग रहा है तो इस वाले स्ट्रिंग पे भी ऊपर की तरफ 4kx का फोर्स लगेगा। तो इस M मास के ब्लॉक पर टोटल जो फोर्स लगा वो होगा 8kx, और यही होगा हमारा F रेस्टोरिंग। फिर मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 8kx, यहां से x बाई a की वैल्यू हमें मिलेगी m/8k, यह है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, तो यहां से मिलेगा t इज इक्वल्स टू 2π टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, दैट इज m/8k, ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में दो तरह की कैटेगरी के प्रॉब्लम्स बताए जिसमें मल्टीपल स्प्रिंग और मल्टीपल पुली देखने को मिलती है। एक कैटेगरी वो होती है क्वेश्चन की जिसमें एम मास के ब्लॉक से जो कनेक्टेड वायर है वो सभी पुलीज को टच करता है, चाहे पुली के ऊपर से होकर जाए, चाहे पुली के नीचे से होकर जाए, चाहे पुली के बीच में कनेक्टेड हो, उस तरह के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम है। दूसरा, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/k इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/k1 + 1/k2 एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर t इज इक्वल्स टू 2π√m/k इफेक्टिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वैसा प्रॉब्लम नहीं आता,
यानी कैटेगरी टू का प्रॉब्लम हमें दिखता है, इस तरह का प्रॉब्लम जिसमें एम मास के ब्लॉक से जो भी कनेक्टेड वायर या स्ट्रिंग है वो सभी पुलिस को टच नहीं करता, उसमें आपको हिलाना पड़ेगा, इसे एक्स डिस्टेंस नीचे खींचो, फिर देखो पुली कितना खींचती है, फिर स्प्रिंग कितना खींचती है, स्प्रिंग की वजह से फोर्स को वापस सॉल्व करते करते नीचे एम मास के ब्लॉक तक लेके आओ, एम मास के ब्लॉक पे देखो फाइनल कितना फोर्स लगता है, एम जी को इग्नोर कर दो, स्प्रिंग पहले कितनी खींची थी उसमें कितना फोर्स बन रहा था उसको भी इग्नोर कर दो, ये जो नेट फोर्स बनेगा यही रेस्टोरिंग फोर्स देगा और उसी से फिर आप सॉल्व करके आगे टाइम पीरियड की वैल्यू निकालोगे। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को चला के देखो, आराम से देखो, इस तरह के और क्वेश्चन आपको बुक में दिखें उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी और क्वेश्चन बताएंगे पर आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो स्प्रिंग के और क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें चार चार स्प्रिंग, तीन तीन स्प्रिंग अगर कनेक्टेड हो, यानी इस तरह का अगर क्वेश्चन आए कि एक स्प्रिंग यहाँ कनेक्टेड है, ये एम मास का ब्लॉक है, एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, इसको एक स्प्रिंग के अगेंस्ट ऐसे कंप्रेस करके छोड़ा जाता है, तो इसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे उसको अगली वीडियो में देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं तब अगली वीडियो में।